सारा का सारा 3D मेन्यू शो करता है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो कर देता है A to Z। सो वेलकम करता हूँ गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टपको के। थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, यहाँ पे बोट डेल्टा की अनबॉक्सिंग करनी थी और मेरे पास आ नहीं रही थी, सुबह से आउटफिट डिलीवरी दिखा रहा था, अभी मेरे को रिसीव हुई है, तो मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ और आई गेस आप सभी को यहाँ पे वीडियो सही लगेगी। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग होने वाली है, इसका डीप डाउन रिव्यू मैं आपको कल शाम तक दे पाऊंगा और A to Z रिव्यू दूंगा मैं आपको, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसमें आपको सनलाइट विजिबिलिटीज़ की शो करूंगा, ऑक्सीमीटर टेस्ट भी होगा, साथ में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, सर्फेस टेस्ट भी करेंगे हम, एयर टेस्ट भी हम करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास मिलता है। सबसे पहले आपको ये बॉक्स मिलता है, यहाँ पे बोट वॉच की आपको ब्रांडिंग दी गई है, डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे यूनिक 3D यूज़र इंटरफेस आपको मिलता है जैसे कि बताया गया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीछे की साइड आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती है, 1.3 इंचेस की फुल टच LCD डिस्प्ले मिलती है, साथ में यहाँ पे आपको कॉल और टेक्स्ट नोटिफिकेशन विद वाइब्रेशन अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कैमरा कंट्रोल म्यूजिक शटर बटन आपको मिल जाता है और सेडेंटरी रिमाइंडर आपको मिल जाता है, वेदर फोरकास्ट भी आपको शो करेगा वॉच में और ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स को शो करता है, HR मॉनिटर है, स्लीप मॉनिटर है और गाइडेड ब्रीदिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको, उसी के साथ साथ कंपेटिबिलिटीज़ की है, iOS 9 या 9 से अबव आपका अगर डिवाइस है तो आप पेयर कर सकते हो और एंड्रॉयड 5.0 से अबव आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को उसके साथ पेयर कर सकते हो। एंड गाइज ये इमेजिन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब मैन्युफैक्चरर है, मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो इमेजिन है और बोट अपना ब्रांडिंग करके सेल करता है। सो गाइज बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6990 की प्राइसिंग इसकी लिखी हुई है, बट ये मेरे को बहुत सस्ते दाम में पड़ी है, मेरे को 2299 में पड़ी है और मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कैसे आप इतने प्राइस में ले सकते हो। ओवरऑल जो बॉक्स की पैकिंग है एज इट इज़ सेम आपकी बोट वॉच फ्लैश की तरह है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बोट वॉच फ्लैश का भी डब्बा है, तो एज इट इज़ सेम ही है यहाँ पे, इनफैक्ट फ्लैश का थोड़ा सा बड़ा है डब्बा, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बड़ा है ये वाला बोट वॉच फ्लैश का। तो इन दोनों के मैं कंपैरिजन भी आपके सामने लेके आऊँगा, इसको हम रखते हैं साइड में एंड गाइस इस पे चलते हैं वापस से। तो यहाँ पे जो बोट का सील है उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से एंड ओपन हो चुका है, यस। एंड गाइस इसको हम निकालते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे को सेम बोट वॉच फ्लैश की याद दिला रहा है, एज इट इज़ सेम मतलब लुक्स के मामले में और साथ में यहाँ पे जो पैकिंग की गई है एज इट इज़ सेम ही उसी तरीके से की गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉच मिल जाती है और जो लुक वाइज बहुत ज़्यादा कूल लग रही है फर्स्ट ग्लैंस में, और पीछे की साइड आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पिन्स मिलती है, यहाँ पे आपको सिंगल HR मॉनिटर SpO2 लेवल्स को चेक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ये थोड़ी सी हल्की है मतलब पहले वाले से, तो मेरे ख्याल से इसका जो पूरा का पूरा डायल है वो प्लास्टिक ही फील है, अभी देखते हैं मतलब पता चलेगा आगे जब मैं देखूंगा इसको, इसको रखते हैं साइड में और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का एक चार्जिंग जो केबल है वो मिल जाती है और साथ में यहाँ पे कुछ और यूज़र मैनुअल्स मिल जाती है, जैसे कि आपको 1 ईयर की वारंटी देता है बोट आपको अपनी तरफ से, ये रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती, ये आपकी रिपेयर वारंटी होती है, तो आप बोट को कॉल करोगे तो वो आपके घर से या फिर आपको पैकेज सेंड करना पड़ेगा आपकी अपनी वॉच को वहाँ पे, तो वो रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये बोट का जो मतलब आपका ये यूज़र मैनुअल है आपको मिल जाता है प्रॉपर, इसमें आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से कैसे आपको पेयर करना है, किस तरीके से कैसे कौन सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके आप बोट वियरेबल नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बात करें बोट का जो और भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो इसको हम रख देते हैं साइड में और मेन यूनिट पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मैग्नेटिक की जो पावर है वो देख लेता हूँ, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे है बट ये छूट जा रहा है, उतना ज़्यादा टाइट नहीं जितना बोट वॉच फ्लैश में मिलता था आपको, अच्छी बात है वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो इसमें ऐसा कुछ एज सच तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसको रखते हैं साइड में और वॉच की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये मिलती है गाइज आपको वॉच, यहाँ पे बोट का जो स्टिकर है वो लगा हुआ है, हटाएंगे अभी हम। TPU स्ट्रैप मिलता है आपको यहाँ पे, 22mm स्ट्रैप साइज आई गेस ये है, मैं चेक करूँगा अभी, मेरे पास 20mm के स्ट्रैप साइज वाले रखे हुए हैं तो उसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग दी गई है क्लैप्स पे जहाँ पे, और यहाँ पे दो आपको ये मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ से गिरेगी नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी भी अच्छी है बट अगर सिलिकॉन होता तो बहुत भी अच्छा होता। यहाँ पे आप स्प्रिंग मैकेनिज्म के थ्रू इसको निकाल सकते हो, वापस इसको लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, और ये प्रॉपरली लग जाता है
हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे बोट का लोगो है आप देख सकते हो, और यहाँ पे बोट वॉच डेल्टा लिखा हुआ है, और एज इट इज़ यहाँ पे आपको इसको हटाना पड़ेगा। ये इसका जो है मतलब दिया गया है, मतलब पीछे की साइड एक लेमिनेशन, तब आपका अच्छी तरीके से स्कैन करेगा। यहाँ पे ऊपर का मैं ये हटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं इसको। आई गेस ये थोड़ा सा तो इस तरीके से मिल जाता है। एंड गाइज मेरे को पता नहीं क्यों फिनिशिंग इसकी कुछ अच्छी नहीं लग रही, मतलब खास नहीं लग रही जैसा कि दिख रहा है। ये पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा का पूरा आपका साइड का प्लास्टिक है, मतलब ये मेटल नहीं दिया गया इस बार, और बोट वॉच फ्लैश में मेटल दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को थोड़ा सा मतलब उतना कुछ प्राइस के मामले में थोड़ा सा मेरे को कम ही लगा। पीछे की साइड पॉलीकार्बोनेट मिलता है पूरा का पूरा, ये जो है ये पूरा पूरा पॉलीकार्बोनेट है, और ऊपर ये मेटेलिक है ही नहीं यहाँ पे, ये आपका ये भी आपका प्लास्टिक ही फील दे रहा है। और ये पूरी की पूरी डिस्प्ले मिलती है आपको 1.3 इंचेस की, और देखते हैं इसको ऑन करके यहाँ पे एक बटन मिलता है, ये भी आई गेस मेटल का नहीं है, तो इसको मैं होल्ड करता हूँ और ऑन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोट का लोगो आ चुका है इस तरीके से, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्लैंस में आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे एज टू एज आपको डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स का लाइनिंग दिखाई गई है पूरा का पूरा, और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी और टाइम दिखा रहा है एज इट इज़। ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे मैसेज शो करता है, लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे यहाँ पे वर्जन शो कर रहा है, राइट साइड में स्वाइप करने पे सारी की सारी चीज़ें शो कर देता है, और नीचे की साइड से स्वाइप करने पे सारा का सारा 3D मेन्यू शो करता है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देता है ए टू जेड। तो ये प्रॉपर मिलता है आपको, एंड यहाँ पे एक बार टैप करने से ये बंद हो जाता है और ये ऑन हो जाता है, तो ये बटन इस तरीके से काम करती है। एंड गाइज मेरे ख्याल से अच्छी बात है, यहाँ पे जो लुक है फर्स्ट ग्लैंस में लुक अच्छा लग रहा है, बट बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि ये इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू बोट वॉच फ्लैश। डेफिनेटली ये थोड़ी सी हैवी है उससे, और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ये हैवी है, फील तो है इसमें, बट वही बात है कि मतलब ये थोड़ा सा प्लास्टिक की फील है, मेरे को सही नहीं लग रहा है। सो गाइज़ ये था मेरा एक स्मॉल सा एक अनबॉक्सिंग। एंड गाइज इसके बारे में अगर आपको और पूछना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसका डीप डाउन रिव्यू आपको मिल जाएगा कल शाम तक। और उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेकपोक नाम से, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। ये वॉच मेरे को 2299 रुपीज़ में इसीलिए पड़ी क्योंकि जब भी फ्लिपकार्ट पे आप न्यू अकाउंट बनाते हो अपना, तो उसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो मेरे को भी न्यू यूज़र पे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। इसका जो प्राइस था 2500 रुपये था, 200 रुपये ऑफ करके 2299 रुपीज़ की वॉच मेरे को पड़ी है। तो अगर आपको बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हो, एंड डीप डाउन रिव्यू देखने के बाद ही आप बाय करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।